गुड मॉर्निंग परिवार, सूर्योदय हो चुका है और अभी हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पे और लास्ट के एक मिनट की वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस वीडियो का। सुबह का वक्त है दोस्तों। गुड मॉर्निंग परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ शूट पर और इतना सुंदर लग रहा है सूरज उगता हुआ। इधर मेरी मेट्रो भी आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। बाकी जगह धुंध छाया हुआ है, बस इधर से सूरज उग रहा है। चलिए तो दोस्तों, यहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ वर्सोवा और मैं जा रही हूँ वर्सोवा विलेज, जहाँ से मैं जेट्टी पकड़ूँगी मड आइलैंड के लिए। तो यहाँ थोड़ी आवाज़ कम आ रही थी, मैंने माइक नहीं यूज़ किया था तो इसीलिए मैंने सोचा ऊपर से वॉइस ओवर कर दिया जाए। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, सुबह सुबह बहुत ठंड है, मैंने एक जैकेट ले रखा है क्योंकि अब धुंध छाने लग गई है। भले मुंबई में ठंड नहीं पड़ती लेकिन थोड़ी बहुत ठंड तो रहती है। बाल मेरे अभी भी थोड़े बहुत गीले हैं, मैं सुबह जब भी शूट पर जाती हूँ तो बाल धोकर तभी जाती हूँ, बिना बाल धोए नहीं जाती हूँ। तो ऑटो चल चुका है, हम वर्सोवा में हैं। वर्सोवा का नाम तो आपने सुना होगा। वर्सोवा में वर्सोवा बीच है जो कि काफ़ी फेमस है और यहाँ पे बहुत सारे, जब भी आप मुंबई आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्टर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपने टीवी वगैरह में देखे होंगे क्योंकि यहीं आसपास ही रहते हैं सब। वर्सोवा विलेज पहुंच गई हूँ और मैं जेट्टी की तरफ जा रही हूँ। ऑटो थोड़ा पहले उतार देता है फिर उसके बाद पैदल चल के जाना होता है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 50-60 मीटर की दूरी होती है और दिन भर पता नहीं कितनी जेट्टी चलती होंगी क्योंकि बस क्रॉस करके ही जाना होता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, पूरा दिन भर जेट्टी चलती रहती है। ये देखिए चिड़िया उड़ रही हैं बहुत सारी। यहाँ ये वाला एरिया, मैंने किसी से पूछा था कि ये क्या है तो किसी ने बोला था कि ये पानी को ब्लॉक किया गया है तभी इस पानी में स्मेल आती है और यहाँ से मछली वछली पकड़ी जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बोलना चाहती थी कि बहुत दिनों से मैं रेगुलरली ही व्लॉग अपलोड कर रही थी लेकिन मैं पिछले 2 दिन से व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मैं कंटिन्यू शूट कर रही थी और सुबह ही निकल जाती थी और आते आते रात हो जाती थी। तो इस चक्कर में मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। एक दिन तो मैंने जग कर किसी तरीके से व्लॉग एडिट कर लिया था लेकिन वो व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था, नेट का कुछ इशू हो रहा था। होते होते 11:30-12 हो गए थे तो फिर मैं वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। फिर वो मिस हो गया तो फिर अगला दिन भी मिस ही हो गया। चलिए अब बस मैं सेट पे पहुंचने ही वाली हूँ। सेट पे पहुंच चुकी हूँ, मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है और बस अभी इसमें टाइम लगेगा। मेकअप में टाइम तो लग ही जाता है, कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाते हैं अगर अच्छे से मेकअप किया जाए तो। तो मेकअप हो रहा है, उसके बाद मेरे हेयर होंगे और बस फिर उसके बाद स्क्रिप्ट आ चुकी है, उसके बाद शूट स्टार्ट हो जाएगा। जब भी मेरा शॉट होगा तो मुझे बुलाया जाएगा। ये सामने नाश्ता रखा हुआ है लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं मंगाया समोसा। आपको बता दूं कि जब भी आप शूट पर जाते हैं तो आपको सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर में लंच, उसके बाद दिन में चाय, शाम को नाश्ता और रात तक अगर आप रुके हैं, 9 बज गए हैं तो आपको डिनर भी मिलता है। मेरे साथ ही दूसरे एक्टर का भी मेकअप हो रहा है और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अलग रूम नहीं मिलता है, एक ही रूम दिया जाता है, प्रोडक्शन के बजट के हिसाब से होता है तो खैर एडजस्ट कर लेना चाहिए कुछ चीज़ों में। पहला शॉट हो चुका है और अभी पता नहीं चेंज है कि नहीं है। आज बड़ी सी बिंदी लगाई है तो देखती हूँ, अगर ठीक नहीं लगा तो शायद छोटी लगाऊंगी। बोल तो रहा है ये ड्रेस अभी। यहाँ क्या हुआ था कि मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और मेरे ऊपर बहुत सुंदर लग रही थी। इस YouTube के वीडियो में फुल नहीं दिखा पा रही हूँ लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी तो इसलिए मैं अपना वीडियो बना रही थी। मैंने सोचा था इंस्टा पे डालूँगी तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत स्लोमो बनाए हैं और
अब कुछ कुछ बातचीत चल रही है बीच में। शॉर्ट के बीच में क्या होता है कि जब आप थोड़े से फ्री होते हो तो आगे रूम में बैठ जाते हो, आराम करते हो। यहाँ पे सारा सेटअप है, घर का सीन दिखाया है, और अभी बाहर का भी शूट, बाहर भी शूट होता है। बाहर प्रोडक्शन वाले बैठे हुए हैं, आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, और ये देखिए इसमें सामान वामान आता रहता है शूटिंग का। सीरियस सीरियस रोल था तो थोड़ा सा सीरियस ही हो गई मैं। काफ़ी सीन बाकी हैं, थोड़े सीन हो गए हैं, काफ़ी बाकी है। अभी ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद अभी जा रहे हैं, और आगे के सीन एक सीन आधा हुआ था, उसके बाद का सीन है, अब वही करने जा रहे हैं, मर्डर वाला सीन है, तो चलिए चलते हैं। तो बस शॉट लगने वाला है, उससे पहले सारा सेटअप होता है, सेटिंग वाले सारी चीज़ें सेट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर आर्टिस्ट बैठ के थोड़ा बहुत रिहर्सल करते हैं डायलॉग्स की, और बाकी मैं अभी वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा रिहर्सल हो चुका है और मैं बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से शूट स्टार्ट हो। तो अभी वापस से ये ड्रेस मैंने पहनी है, बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है। तो खैर अभी वापस से ये सीन लग रहा है, और अभी बज रहे हैं 4, अभी लग रहा है पूरा रात तो हो ही जाएगी, 9:30 तो बज ही जाने हैं। हाँ, 9:30 तो बचेंगे। बाकी कमेंट करके बताइए मेरे लोग कैसा लग रहा है। बैक टू बैक शॉट्स हो रहे थे इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और बहुत ही कम आपको क्लिप्स देखने को मिली होंगी, इसलिए अब आपको सीधा रात का दिख रहा है जब मेरा पैकअप हो चुका है। मेरे साथ 2 लोग और आए थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एक एक्टर थे। दोस्तों देखिए मैंने दाल बनाई है, छौंक दिया है, अभी सब्जी बना रही हूँ। टमाटर काट लिया, प्याज काट लिया, कढ़ाई रख दी है, साथ में है बैंगन, थोड़ा सा आलू काटूंगी अभी। आप भी प्लान कर रहे हैं कश्मीर आने का तो मैं आपको बहुत ही बजट ट्रिप बताने वाली हूँ, बने रहिए मेरे चैनल पे। अभी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं इस पे शेयर करूँगी, और बाकी अगर आप सोच रहे हैं आने का तो 3 तरीके हैं यहाँ पे पहुँचने के। पहला आप फ्लाइट ले सकते हैं श्रीनगर तक की, कहीं से भी मिल जाएगी 3 से 4 हज़ार रुपये में, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है। और चाहे तो आप
ट्रेन से आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन आपको श्रीनगर नहीं लेके जाएगी, उधमपुर तक लेके जाएगी। वहाँ से 200 से 250 किलोमीटर है श्रीनगर, और टैक्सी का किराया आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, कम से कम 6,000 से 8,000 के बीच में पड़ेगा। तो बेटर है कि आप कहीं से भी फ्लाइट ही लें। और तीसरा रास्ता है बस का, तो वो भी बहुत ही आप परेशान हो जाएंगे, परेशानी वाला हो जाएगा, क्योंकि लंबा सफ़र होगा और पैसा भी लग जाएगा बहुत। तो बेटर है अगर आप बजट ट्रिप सोच रहे हैं तो फ्लाइट ही करिए, और फ्लाइट